गुड आफ्टरनून तो आपने डिसाइड किया है कि आपने सीए करना है और ये सच में डिसाइड किया आपने नहीं मैं सीरियसली पूछ रहा हूं सच में डिसाइड किया तुम लोगों ने सीए ही करना है पक्का क्यों यस yes. क्यों सी ए कर रहे हैं हाँ हाँ वाई डू यू थिंक दैट यू शुड डू सी एज अ कोर्स हाँ जी कुछ लोग इधर भी आ जाओ यार थोड़े से मतलब तो पीछे वाले जो हैं थोड़े आगे आ जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे को भी लगेगा क्लास भरा पूरा है मतलब इधर उधर देखना है तो अच्छा हाँ। हिंदी में बात किया तो चलेगा ना राइट ना हाँ क्यों आपने तय किया कि आपको सी करना है सबसे पहला सवाल बेसिक अच्छा इसमें से साइंस वाले कितने है? जो साइंस छोड़ के यहां पे आए हैं वो कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सर हमारी दाल नहीं गली इसलिए यहां आ गए इज अ स्टैंडर्ड काइंड ऑफ थिंग नहीं सर बहुत कोशिश की थी कि क्या जे डबल ये फिर नीट तुमने नीट कुछ भी नहीं इंजीनियरिंग घुमाल लड़का जेड नीट कर रहा है लड़कियाँ इंजीनियरिंग कर रही है ये सही इंप्रूवमेंट है हाँ भाई साहब आप जय और कौन था पीछे साइंस वाला हाँ भाई साहब नीट जे डबल अच्छा फिफ्टी फिफ्टी एकदम आधे लोग इंजीनियरिंग वाले हैं आधे लोग डॉक्टरी वाले हैं तो क्या क्या कहानी नहीं बनी पैसे बहुत मांग रहे थे तो फिजिक्स ही इतना गंदा होता है सर वो पढ़ते पढ़ते मतलब ऐसा तो मतलब इतना मतलब तू क्या कर रही थी वैसे हाँ हाँ क्यों बायोलॉजी खराब लगी तेरे को किसी का तक किसी को तकलीफ होती है केम, केमिस्ट्री ना सबसे बड़ी बुरी बात जे डबल वाले केमिस्ट्री सर नहीं सर केमिस्ट्री नहीं सर बहुत कोशिश की बहुत लगाऊं बहुत लोगों से मिले पर कहीं जमी नहीं केमिस्ट्री किसी के साथ नहीं सर वो वाली केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं सर मैं और अकाउंट अच्छे से आता है पैसों की लालच है सर वाह बेटा इतना सच थोड़ी बोलना था हाँ हाँ प्लीज 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 अच्छा तुम लोगों में से कितने लोग ये कोर्स इसलिए ज्वाइन किए हैं क्योंकि इसमें पैसा बहुत है यू हैव ज्वाइन द सी ए कोर्स बिकॉज यू फील नहीं कि पैसा बहुत है वन यस yes. अच्छा बाकी बाकी लोग किस लिए फिर ज्वाइन किए हो टू थ्री पैसा बहुत मतलब क्या होता है मतलब कौन सा क्या लेवल का पैसा तुमको लगता है कि ये पैसा बहुत है वॉट डू यू फील लाइक कि पैसा बहुत है अच्छा डिमांड्स पूरी हो जाएगी वो तो बेटा पापा वैसे भी पूरे कर रहे हैं नहीं नहीं सर वहां गिड़गिड़ाना पड़ता है वहाँ मिन्नतें करनी पड़ती हैं पहले फील्डिंग लगानी पड़ती है सेटिंग करनी पड़ती है पहले माहौल क्रिएट करना पड़ता है उसके बाद जाके कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हाँ बच्चे की ज़रूरत है पूरी करनी चाहिए है ना दिक्कतें बहुत हैं इसलिए अपना पैसा कमाया हुआ इज़ ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन भाई आप कॉमर्स से हो प्रॉपर तीनों आप तीनों कॉमर्स कौन सा स्कूल कौन सा कॉलेज अच्छा पुणे से प्रतिभा कॉलेज मतलब तुम पी से हो ओके okay. तीनों अच्छा नगर इधर ही बाजू में अरे वाह टेंशन ही नहीं ठीक है तो पर मैं सवाल तो पूछ मतलब जवाब तो चाहिए ना यार आखिर क्यों मतलब पैसे के अलावा ऐसा क्या लगा तुमको पैसा भी सिर्फ तीन ही लोगों को फील आ रहा है कि पैसा मिलेगा सर लाइफ में एडवेंचर कम थे इसलिए हम लोग सी ए ज्वाइन कर रहे हैं हाँ भाई साहब अच्छा इज्जत है नहीं है क्या चार्ट अकाउंटेंट्स की है अच्छा ये बात तो फैक्ट है पर मतलब किसी को भी जाके मतलब मैं कई बार लोगों से मिलता हूँ लोगों को बोलता हूँ लोग पहले नॉर्मल बात कर रहे होते हैं पहले एकदम ऐसे ही तू तेरा में बात करते हैं और उसके बाद में अचानक से जब मैं उनको बोलूँ मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट अरे आप सी हो ऐसे मतलब तो अचानक तू तेरा से आप पे आ जाते हैं हाँ मैडम किसने बताया तेरे तो 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 किस बता को अभी सुबह से शाम तक के मेहनत करनी पड़ती है यहां पे कहां सी ये प्रस्टीज करिए सुबह सात बजे से लेके काम चालू करते रात को सात बजे तक काम करते रहते हैं खैर यस दिस इज द फैक्ट इट हैज गॉट द वैल्यू इन द मार्केट नो डाउट अबाउट इट और उसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि नंबर ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स लिमिटेड है वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सी एज ऑल ओवर द कंट्री क्यों हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी रहे कितना हमारे देश की पॉपुलेशन 140 हंड्रेड एंड फोर्टी करोड एंड ग्रोइंग ऑफकोर्स देश की पॉपुलेशन है भाई ग्रोथ तो रहेगी ना इंडिया है जिसमें मतलब इंडियंस कहीं पे भी चले जाएं पॉपुलेशन अपने आप ग्रो हो जाती है तो अब कहानी ये है साइंस वालों को ज़्यादा पता है सर इतनी बायोलॉजी तो हमने टेंथ तक के पढ़ ली थी हमको भी पता है तो खैर कहानी ये है कि सारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ और सारे देश में सीए कितने पता है अप्रोक्सीमेटली थ्री लैख नाइनटी थाउजेंड चार्ट अकाउंटेंट अगेंस्ट द पॉपुलेशन ऑफ वॉट वन हंड्रेड एंड फोर्टी करोर मतलब एवरेज निकाला जाए ना तो लगभग लगभग दस हजार लोगों के पीछे दो चार्ट अकाउंटेंट है बिहाइंड पॉपुलेशन ऑफ एवरी टेन थाउजेंड वी हैव गॉट ओनली टू पर्सन हू आर चार्ट अकाउंटेंट्स तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब डिमांड सप्लाई का पैरिटी तो बहुत खतरनाक है डिमांड फॉर द चार्ट अकाउंटेंट इज ह्यूज आप बोलोगे सर ऐसे कैसे टेन थाउजेंड पॉपुलेशन में से टेन थाउजेंड के टेन थाउजेंड को थोड़ी ना सीए की जरूरत पड़ती है ऑफकोर्स जो स्कूल में जाता है बच्चा उसको थोड़ी ना सीए की जरूरत है या फिर जो बंदा अच्छा आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट जस्ट वेटिंग फॉर आई सी आई एस डिक्लेशन आफ्टर फोर एंड हाफ ईयर्स वो मैं जब सी ए कर रहा था हमारे साथ में एक बच्चा था मतलब स्टूडेंट था अब तो खैर वो उसके भी बच्चे हैं तो वो हमेशा बोला करता था यार सी ए तो मैं बचपन से हूँ सी डिग्री तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ले रहा हूँ वो आज तक के सी ए नहीं बन पाया मालूम है तो डिग्री इज़ मोर इम्पोर्टेंट ठीक है ना सीए में कंपटीशन कम है एज कंपेयर टू साइंस हां यह बात तो बिल्कुल खरी है साइंस में आप आपके परफॉर्मेंस से आगे नहीं बढ़ते हो आप अच्छा कर रहे हो तो आप आगे बढ़ जाओगे ऐसा जरूरी नहीं है आपके अच्छा करने के साथ साथ किसी और का बुरा करना भी जरूरी होता है क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो और वो भी अच्छा कर रहा है तो कंपटीशन में दोनों साथ में खड़े रहते हैं पर आप अच्छा कर रहे हो और कोई और बुरा कर रहा है ना तो आपके लिए कंफर्टेबल बढ़ जाता है पर सीए कोर्स में ये नहीं है सीए कोर्स में लाइफ बड़ी सिंपल है अगर आपने मेहनत की अगर आपने पढ़ाई की अगर आपने सारे के सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए तो आप सी बनोगे और आप सी बनोगे इसलिए दूसरा नहीं बनेगा या फिर दूसरा बन रहा है इसलिए आप नहीं बनोगे इज नॉट द कंसेप्ट वैन इट कम्स टू द सी ए कोर्स यहां सिर्फ और सिर्फ आप ही की मेहनत की कीमत है बाकी किसी की मेहनत की कीमत नहीं है और ये बात तो फैक्ट है यहां हार्डवर्क है मेहनत है अगर आपने तय कर लिया कि आपने हार्डवर्क करना है अगर आपने तय कर लिया कि हाँ मैंने पढ़ाई करनी है तो सीए तो बनी जाओगे सीरियसलीर इज नो प्रॉब्लम वेन इट कम्स टू द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स इफ यू आर पुटिंग द राइट काइंड ऑफ एफर्ट्स वो कई सारे कई सारे लोग बोलते हैं कि यार यहाँ पे मेहनत ज्यादा है फिर वो पासिंग परसेंटेज कम है फिर मेरा लक मेरा साथ देगा या नहीं देगा लक एंड चार्ट अकाउंटेंसी हैज नो रेफरेंसेस विद ईच अदर वो मैथ्स में कहीं तो को रिलेशन सिखाते ना लक एंड चार्ट अकाउंटेंसी कोर्स हैज गॉट द निगेटिव को इफिशेंट मतलब ये कि आपका लक कैसा चल रहा है उससे आप सॉरी न्यूट्रल कोशन कि आपका लक कैसा चल रहा है उससे आप सीए बन जाओगे या सीए नहीं बनोगे ऐसा बिल्कुल नहीं है हाँ बट योर एफर्ट्स एंड योर रिजल्ट हैज द डायरेक्ट पॉजिटिव को रिलेशन ऑलराइट राइट तो पहली बात क्यों मैं इतना स्ट्रेस डाल के ये बात बोल रहा हूं क्यों मैं इतना स्ट्रेस डाल के इतना सारा पूछ रहा हूं क्यों आपको मैं तकलीफ दे रहा हूं क्वेश्चन कि आखिर आपने क्यों तय किया सीए करने का क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको ना मतलब पेरेंट्स बोलते हैं अच्छा आप में से कौन कितने लोग हैं यहां पे आए हो ऐसा कितने लोग हैं कोई भी नहीं सबने खुद डिसाइड किया खुद से तय किया एकदम कि मैंने सीए ही बनना है आर यू ऑल श्योर सोच लो 50 <laughs> मतलब पहले पेरेंट्स ने दिमाग में भरा हाँ फिर खुद की इच्छा हो गई तेरी कि चलो यार कर ही लेते हैं अभी क्या है सस्ता कोर्स है निपट जाएगा नहीं कोर्स तो वाकई में बहुत सस्ता है एज कम्पेयर टू तो साइंस कितना फीस दिया था तूने दो लाख रुपए आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए दो लाख रुपए दो साल की फीस एक साल की फीस एक साल की फीस दो लाख रुपए होती है इसकी दो लाख नीगोशियशन मस्त किया है इसने तूने निगोशियेशन नहीं किया मतलब हाँ यहाँ पे पूरा कोर्स दो लाख में कंप्लीट हो जाता है फाउंडेशन यहाँ की फीस हमारी अगर एक की फीस मानी जाए तो सत्तर हजार रुपए। सारा मिला के जीएसटी वगैरह मोदी जी के साथ जीएसटी उसके बाद आई का रजिस्ट्रेशन नौ हजार सेवेंटी नाइन बुक्स का खर्चा तीन हजार रुपए साल भर में पूरे पूरे के पूरे फाउंडेशन स्ट्रक्चर में बुक्स उससे ज्यादा नहीं लगती हैं 82000 फाउंडेशन का खर्च इंटरमीडिएट का खर्च एक लाख दस हजार रूपये की फीस लगभग एक लाख दस हजार रुपए सारे सब्जेक्ट्स की आईसीआई की फीस अट्ठारह हजार रुपए और वो भी जीएसटी के मिला के आ आईसीआई की फीस अट्ठारह हज़ार रुपये और उसमें बुक्स सब मिला के लगभग लगभग पाँच हज़ार रुपये उससे ज़्यादा के बुक्स नहीं लगते तो एक अठारह पाँच एक तेईस एक तेईस और साठ सॉरी अठारह एक तेईस और दस एक एक 33 एक 33 प्लस एटी टू लगभग लगभग दो लाख पंद्रह हज़ार रुपये ये हो गया फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का खर्च इसके बाद चालू होती है आपकी आर्टिकलशिप आर्टिकल शिप में बेर मिनिमम कम से कम से एक बंदे को पांच से आठ हजार रुपए महीने का स्टाइपेंड मिलता है कंपलसरी मिलता ही है अगर मैं सपोज पांच हजार भी पकड़ूं तो दो साल के लिए आर्टिकलशिप रहने वाली है आपकी एक लाख बीस हजार रुपए आपका स्टाइपेंड तो दो लाख पच्चीस में से एक बीस गए एक लाख पांच हजार फाइनल की फीस सब मिला के मरे मरे एक लाख रुपए से ज्यादा नहीं क्योंकि सारे सब्जेक्ट हम लोग करते ही नहीं है तो दो लाख रुपए में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाना है और वहाँ हमने एलेवन्थ ट्वेल्थ के लिए सिर्फ दो लाख रुपए दिए थे आगे की तो फीस ही अलग है और कुछ लोग मेरे ये इंजीनियरिंग इसलिए या फिर साइंस के स्ट्रीम्स इसलिए छोड़ के आते हैं क्योंकि वहाँ पे खर्चे थोड़े ज़्यादा है थोड़े ही ज़्यादा है मतलब वो मेडिसिन वाले लगभग तीन चार लाख रुपये साल की फ़ीस लेते हैं ऐसा कुछ तो होता है कॉलेजेस की इतनी फीस होती है प्राइवेट कॉलेज़ की इतनी फीस तीन तीन चार चार लाख रुपये उससे ज़्यादा होती है एटीन लाख रुपीज फॉर थ्री ईयर मतलब पूरा कोर्स साढ़े चार साल ठीक है कितना कॉमर्स के लिए कॉमर्स कौन सा कॉलेज है भाई ग्यारह लाख रुपए ले रहा है कौन सा फ्लेम्स ये सिर्फ कॉमर्स के लिए नहीं है प्लीज फ्लेम्स इज द यूनिवर्सिटी फॉर द एमबीए और बीबीए काइंड ऑफ कोर्सेस हा हा बीबीए एमबीए के लिए लेते हैं बट दैट्स अ काइंड ऑफ प्रोफेशनल डिग्री दैट्स नॉट प्लेन कॉमर्स का डिग्री एज सच हाँ हाँ मतलब ऐसे एक्सेप्शन हैं नो डाउट अबाउट इट कॉमर्स में भी इतना खर्चा आता है अगर अगर तुम ऐसी जगहों से करना चाहो तो खैर अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा बेसिक्स की पहले हम लोग आते हैं आखिर हमने इस कोर्स में कवर क्या करना है किस तरह से करना है हाउ वी आर सपोज टू गो अहेड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस दैट यू आर सपोज टू पास ऑन वॉट आर द डिफरेंट स्टेजेस दैट यू आर सपोज टू कैरी ऑन और उसके बाद हमें पता चलेगा कि हम सी ए बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका सीए इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्ट्रेशन हो चुका है अच्छा ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं बिकॉज कई सारे लोगों को लगता है कि में एडमिशन ले ली मतलब हमारा सीए इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्ट्रेशन हो गया तो आंसर इज नो आप जब तक आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लोगे तो आपको सीए एग्जाम्स देने को अलाउड नहीं है राइट अब वो कैसे करना है क्या करना है वो सारी डिटेल में आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताता हूं

2024 विल बी योर फाउंडेशन की एग्जाम यहां एक बात ध्यान देने लायक यह है कि अगर आप जून 2024 में सीए फाउंडेशन की एग्जाम देना चाहते हो तो आपको इसके लिए करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फॉर सीए फाउंडेशन कोर्स दो अलग अलग चीजों के बारे में बात करूंगा अब मैं पहला होता है सी फाउंडेशन कोर्स का रजिस्ट्रेशन और बाद में आएगा सी फाउंडेशन एग्जाम का एप्लीकेशन दीज टू आर टू इंडिपेंडेंट थिंग्स पहली बात मैंने क्या कही कि आपको फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है फाउंडेशन कोर्स के लिए आप कहां रजिस्टर करोगे यूल रजिस्टर ऑन आई सी ए आई डॉट आर जी जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनके लिए क्लैरिफाई कर रहा हूं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको तीन महत्वपूर्ण चार महत्वपूर्ण चीजें आपके साथ रखनी पड़ेगी पहला रहेगा आपका टेंथ का मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट टेंथ का दूसरा रहेगा आपका एलसी द लिविंग सर्टिफिकेट और द टेंथ बोर्ड सर्टिफिकेट तीसरा रहेगा आपका ट्वेल्थ का मार्कशीट चौथी चीज जो आपको अपने साथ रखनी है वो है स्कैन कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड योर सिग्नेचर ऑन अ प्लेन पेपर एक प्लेन पेपर पे आपको सिग्नेचर करके बड़ा सा सिग्नेचर मतलब ऐसा फुल पेज लेना है और फुल पेज पे आपको अपनी ब्लैक पेन से साइन करनी है क्यों तो इसे अपने स्कैन करना, करना है, स्कैन करके कैप्चर करके अपलोड करना है सो फॉर दैट पर्पज इट इज बेटर टू हैव द सिग्नेचर ऑन द फुल पेज नहीं तो बंदे क्या करते हैं ऐसे साइन करते हैं ऐसे वो आईसीआई को समझेगी नहीं तुम्हारी सिग्नेचर क्या है सो यू नीड टू कीप दिस सिग्नेचर रेडी विथ यू दीज डॉक्यूमेंट्स रेडी विथ यू देन यू नीड टू गो ऑन दिस वेबसाइट कॉल्ड एज आई सी ए आई डॉट ओ आर जी आई सी आई डॉट ओ आर जी के अंतर्गत अंडर में आपको एक लिंक मिलेगी दैट इज कॉल्ड एज ई सर्विसेस और ई e सर्विसेस के अगेंस्ट फॉर्म्स मिलते हैं दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एंट्री फॉर्म जब आप डायरेक्ट एंट्री डायरेक्ट एंट्री मतलब सॉरी एंट्री लेवल फॉर्म्स ऐसा वो नाम है डायरेक्ट एंट्री नहीं एंट्री लेवल फॉर्म्स। ये एंट्री लेवल फॉर्म्स किस लिए दिए गए हैं तो आप अगर फाउंडेशन के लिए आफ्टर ट्वेल्थ रजिस्टर कर रहे हो उसके लिए या फिर अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली सीए कोर्स करने आए हो तो उसके लिए जो फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज एंट्री लेवल फॉर्म आपके लिए जो एप्लीकेबल है वो आफ्टर ट्वेल्थ फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए ट इज वॉट इज एप्लीकेबल फॉर यू राइट और टफ कर दिया आईसीआई ने अच्छा क्यों तेरे तीन चार अटेम्प्ट हो गए क्यों और टफ कर दिया कह रहे तो एंट्री लेवल फॉर्म्स वेन यू आर गोइंग इन टू दैट पहला आपको क्रिएट करना पड़ेगा आपका प्रोफाइल जिसमें आप टेंथ मार्कशीट के हिसाब से आपका नाम डलोगे आपकी टेंथ मार्कशीट के हिसाब से जो आपका मदर्स नेम है और टेंथ मार्कशीट के हिसाब से आप एड्रेस डालोगे एड्रेस नहीं मार्कशीट के हिसाब से बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है आपने वंस यू आर डन विद आपका प्रोफाइल क्रिएट होगा प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद में आपके मेल आई पर एक मेल आएगी जिसमें आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिए जाएंगे एक होता है एपीपी नंबर दैट इज टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर वो एपीपी नंबर और उसके साथ साथ आपको एक आएगा पासवर्ड जब आप उस एपीपी नंबर और पासवर्ड के साथ लॉग इन करोगे तो आपको अपडेट करनी है कुछ इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन क्या क्या अपडेट करनी है पहला पर्सनल डिटेल्स जिसमें आप अपना एड्रेस अपडेट अपडेट करोगे आपके पेरेंट्स के डिटेल अपडेट करोगे आपका ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है उसको आप वेरीफाई करोगे

फोटो डेट ऑफ बर्थ और सिग्नेचर इनके प्रूफ्स आपने अपलोड करने हैं राइट और यह सारी प्रोसेस होने के बाद आप फाइनली जाओगे पेमेंट पेज पे जहां पे आपको पेमेंट करनी है सिर्फ नौ हजार रुपए की विथ द आईसीआई जो पेमेंट कंपलसरीली मैंडेटरीली ऑनलाइन होने वाली है आपको ये कैश पेमेंट डीडी पेमेंट चेक के द्वारा पेमेंट का ऑप्शन नहीं है वंस यू आर डन विद दैट उसके करीब करीब चार से आठ दिन के अंदर आपको एक मेल आएगी आईसीआई से जिसमें आपको कंफर्मेशन दिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका अगर आप महाराष्ट्र गुजरात या गोवा के एड्रेसेस पे रजिस्टर करवा रहे हो तो यू विल बी गेटिंग समथिंग कॉल्ड एज डब्ल्यू आर ओ नंबर वो आपका बेसिक नंबर हो जाएगा वो आपका बिल्ला क्रमांक है ये जब तक आप सीए नहीं बनते हो तब तक आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा ये बदलेगा नहीं बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट तो पहला आएगा आपका डब्ल्यू आर ओ दूसरा एक बार ये मेल आने के बाद में आपको एक और मेल आएगी जिसमें आपको कंफर्मेशन दिया जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया है अब आपके बुक्स ऑर्डर कर सकते हो आपको आईसीए के पास ही बुक्स ऑर्डर करनी होती है आपको बाहर से बुक्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है जब आप उस लिंक के द्वारा लॉग इन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको लेके जाएगा एक साइन इन पेज पे जिसे हम लोग CDS पोर्टल हैं। उस सी डी एस पोर्टल पे वापस आप अपने बेसिक डिटेल डालोगे यूजर आई पासवर्ड और जैसे आप लॉग इन करोगे इमीडिएटली विल बी एबल टू तो ऑर्डर द बुक्स जैसे आप Amazon से बुक्स ऑर्डर करते हो उसी तरह से आप इस वेबसाइट पे भी जाके बुक्स ऑर्डर कर सकते हो अप्लाइंग द कूपन क्योंकि बुक्स के लिए आपको अलग से पैसे देने की आवश्यकता नहीं है आपने जो नौ हजार रुपए ऑलरेडी आईसीआई को दे रखे हैं दैट इज नथिंग बट इंक्लूडिंग द फीस फॉर द बुक्स एज वेल और एक बार आपने ऑनलाइन बुक्स ऑर्डर कर दी तो वो घर पोच आपको फ्री में डिलीवरी करके मिलेगा आपसे कुरियर वाला भी पैसे नहीं लेगा कुछ केसेस में यह हुआ था कुरियर वाला कह रहा था कि मेरे को पांच सौ रुपए देना पड़ेगा आपको तो मैं आपको कुरियर दे पाऊंगा ऐसा कोई फीस हमको नहीं लगता है दैट इज फ्री डिलीवरी टिल आर होम टिल आर रजिस्टर्ड एड्रेस इज इट पॉइंट राइट ये हो गई आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और बुक्स ऑर्डर करने की प्रोसेस जो आपकी स्टेप वन है जिन्होंने अब तक के रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्होंने आज या कल तक ये चीज खत्म कर लेनी है ज पॉइंट नंबर वन दूसरी चीज दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमको करनी होगी दैट विल कम इन द मंथ ऑफ फेब्ररी नॉट नाउट कम इन द मंथ ऑफ फेब्री ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर जब हम लोग एग्जाम फॉर्म भरेंगे सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर सपोज टू डू इज एग्जाम फॉर्म बट दिस विल कम इन फेब ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर क्यों याद दिला रहा हूं क्यों लिख के रखा है मैंने अभी के अभी क्योंकि पिछले कुछ अटेम्प्ट से मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूं कि बच्चे भूल जाते हैं कि मुझे एग्जाम फॉर्म भरना था और अगर आप एग्जाम फॉर्म भरना भूल गए तो माइंड वेल माइंड डियर फ्रेंड्स आई सी हैज ओनली वन पॉलिसी कम फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट अभी रिसेंट बात है देर वॉज द स्टूडेंट शी कुड नॉट क्लियर हर सी ए फाउंडेशन फर्स्ट ऑगस्ट लास्ट डेट थी एग्जाम फॉर्म भरने की शी मिस्ड आउट ऑन दैट. नाउ बी गिविंग न्यू एग्जाम इन द न्यू स्ट्रक्चर इन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी छ महीने से उसका एग्जाम करियर नहीं एग्जाम नहीं करियर डिले हो गया पूरा का पूरा सी ए कोर्स का करियर डेज अ प्रॉब्लम तो इसलिए हमको इन चीजों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है जहां तक बात है रजिस्ट्रेशन की मैंने आपसे कहा कि आप इमीडिएटली करवा लो इसकी लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन विध द सीए इंस्टीट्यूट इसकी लास्ट डेट है थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री कोर्स के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है एग्जाम के रजिस्ट्रेशन डेट की नहीं एग्जाम का रजिस्ट्रेशन डेट लास्ट डेट आएगा फेब्रवरी में अभी नहीं तो ये हो गई बात हमारे रजिस्ट्रेशन की अब आपका सीए कोर्स कैसे होने वाला है जो आपको जून 2024 में सीए फाउंडेशन की एग्जाम देनी है अच्छा आप मुझे एक बात बताओ जो मैं प्रवचन कर रहा हूं या आप सिर्फ प्रवचन ग्रहण करने के लिए आए हो, मतलब ऐसी आपको घर से ऐसे चमाटे मार के भेजा हुआ है कि क्लास में जाके चुप करके बैठना बिल्कुल बात मत करना मास्टर कुछ भी पूछे जवाब मत देना कि आप पहला दिन है इसलिए थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करके बैठे हो सर कुछ दिन रुको हमारे सारे रंग दिखेंगे इज इट अ काइंड ऑफ सिचुएशन कि आप बचपन से ऐसे ही हो ऐसे ही है एकदम शांत हाँ बस सर हम सुनने के लिए आते हैं सर नहीं रिएक्ट भी करते हो हाँ थैंक यू रिएक्ट करते रहा करो क्योंकि क्या है ना फिर मेरी बैटरी अगर लो हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपस में बात करते रहेंगे तो फिर कैसा है कि मैं भी जागता रहूंगा आप भी जागते रहोगे नहीं तो पता चला मैं प्रवचन कर रहा हूं पीछे से चार विकेट गिर गए राइट और कल से वो आई नहीं रहा है डायरेक्टली बंदा जाते जाते पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द कोर्स राइट तो क्या है पापी पेट का सवाल है ट्वेल्थ का रिजल्ट लिविंग सर मैं ट्वेल्थ में हूं तो बुक्स कैसे मिलेगी अच्छा द स्टूडेंट्स यहां पे भी जो बच्चे बैठे हैं जो अगर आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में हो अभी भी तो आपके लिए कहानी ऐसी है कि आपको मार्कशीट अभी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज सीए कोर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए टेंथ कंप्लीट करना और ट्वेल्थ अपियर करना अनिवार्य है जब तक आपकी एग्जाम आएगी आप ट्वेल्थ अपियर कर चुके होंगे तो हाल फिलहाल आपको ट्वेल्थ के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ टेंथ की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा ना कि ट्वेल्थ का मार्कशीट इज राइट right? यहां कोई है यहां पे ट्वेल्थ ट्वेल्थ वाले वन टू थ्री फोर फाइव फाइव हाँ ठीक है बाकी बेचारे परेशान हो गए ना बंदों की डेरिंग देखो हाँ, हम ट्वेल्थ कंप्लीट करके छह महीने तक सोचते रहे किसी ए कोर्स ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए ट्वेल्थ के साथ साथ सीए कर रहे हैं भाई कौन सी चक्की का आटा खाते हो बट दैट इज इन इनफैक्ट आई टेल यू अगर आपके पास ऑप्शन होता तो यू शुड हैव हैली ज्वाइन अलॉन्ग विथ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड इट क्योंकि फायदा क्या होता है पता है स्ट्रेट अवे छह महीने बचते हैं आप तो एक साल गवा के आए है ना गया ना एक साल आपके पास ऑप्शन था कि आप दिसंबर में एग्जाम दे देते चलो ठीक है जून तो मिस कर गए आप जून 23 थ्री मिस कर गए आप दिसंबर 23 थ्री पे एग्जाम दे सकते थे अगर सही टाइम पे डिसीजन ली होती सर वही तो घर वालों को रोज कह रहे थे कि हमको कुछ नहीं करना है घर वाले रोज हमको पेनिट्रेट किए जा रहे कुछ तो करना पड़ेगा फिर हमने एक दिन मान भी लिया चलो ठीक है हम लोग कुछ करते हैं बी फिर घर वालों ने कहा उससे तो तू सिर्फ बे रहेगा फिर हमने उनसे कहा नहीं बेकाम नहीं वहां पे भी जाके कुछ ना कुछ को तो काम करूंगा और कुछ नहीं तो नहीं आपके लिए किसी को लेके आऊंगा मतलब लाऊंगा मेरे लिए पर तो घर वाले कहते हैं वो तो हम लोग चार साल बाद सोचेंगे अभी तो हाल फिलहाल कोई स्कोप ही नहीं है बंदा कहता है ऐसे कैसे मैंने तो चार को पहले हा करके रखी हुई है तुम्हारी ऐसी कोई कहानी नहीं है ना हाँ यू है नाउ और तुमने खुद डिसाइड किया है अभी अभी थोड़ी देर पहले एग्री किया था तुम लोगों ने एक बंदा सिर्फ बोला था फिफ्टी फिफ्टी बाकी सबने खुद एग्री किया हुआ है खुद से ज्वाइन किया है बराबर है हाँ ना सोच लो इसके बाद कोई पूछने वाला नहीं आएगा पक्का ठीक है तो अब मैं बताता हूं फिर कोर्स के बारे में तो क्यों डलवाया पर सीए कोर्स में ह ऐसे ही ऐसे ही मतलब तेरे से और कुछ नहीं हो रहा है तो सीए कर ले अच्छा किस चीज़ का बिजनेस है हो सोना चांदी वाले हो फिर तो क्या है क्या ही जरूरत थी तेरे को सीए ये करने की सर वही मैं घर वालों को समझा रहा हूँ अभी तक के मान नहीं रहे मेरी बात कहते हैं मेले गिरी करने से सीए कर ले पर बेटा यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी उसकी तैयारी है पक्का एकदम 24 कैरेट हाँ तो जून 2024 में आपकी जो सीए की एग्जाम आने वाली है जो आपके स्ट्रक्चर की पहली एग्जाम होने वाली है और आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है जब जब आईसीएआई ने स्ट्रक्चर बदला है आज तक जब जब नया कोर्स आईसीएआई ने इंप्लीमेंट किया है तब द पासिंग परसेंटेज हैज रिमेन हाई द पासिंग परसेंटेज हैज रिमेन हाई तो आपके लिए यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हालांकि वो बात अलग है कि फाउंडेशन ऑलरेडी चल रहा है अब आपके पास सिर्फ नया स्ट्रक्चर आया जिसमें सिलेबस नया है पर फिर भी आपके स्ट्रक्चर वाली आपके सिलेबस वाली ये पहली एग्जाम होगी जून 2024 तो आईसीए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपका फायदा तो कराने वाली है अब वो फायदा आपने खुद करा के लेना है या नहीं ये आपके ऊपर तय करता है तो जून 2024 के सीए फाउंडेशन एग्जाम में आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं टोटल मिला के चार पहले पेपर चार होते थे सब्जेक्ट छ होते थे पर अब आईसीएआई ने सब्जेक्ट्स और पेपर दोनों कर दिए कितने चार ओनली फोर पेपर फोर सब्जेक्ट इज वॉट यू हैव टू अपियर फॉर अब इसमें क्या क्या पहला सब्जेक्ट अकाउंट्स जो पूरे सौ मार्क के लिए दूसरा सब्जेक्ट लॉ जो वापस पूरा सौ मार्क के लिए है इसके पहले पुराने स्ट्रक्चर में देर यूज टू बी अब्जेक्ट कॉल्ड एज बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग बीसीआर चालीस मार्क के लिए हुआ करता था वो पूरा का पूरा चालीस मार्क का सब्जेक्ट इन्होंने डिलीट कर दिया और उसमें से कुछ भी कर्ण लॉ के सब्जेक्ट में इंप्लीमेंट नहीं किया है हालांकि लॉ के सब्जेक्ट में इन्होंने दो टॉपिक्स बढ़ा दिए हैं पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेसिक कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड नहीं होते थे अब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को इंप्लीमेंट कर दिया जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे आपको ये समझ आएगा दिख रहा है तुमको कलर गलत हो गया नहीं हाँ डार्क करते हैं अब दिख रहा है तो फिर आया तीसरा सब्जेक्ट दैट वाज दैट इज मैथ्स मैथ्स वापस सौ मार्क के लिए पर मैथ्स के अंतर्गत हिस्से किए गए हैं जिसमें मैथमेटिक्स के लिए चालीस मार्क स्टैटिस्टिक्स के लिए चालीस मार्क और लॉजिकल रीजनिंग नाम का एक टॉपिक है सब्जेक्ट है उसके लिए 20 मार्क इस तरह से टोटल 100 मार्क का पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऐसा नाम दिया गया है सब्जेक्ट को है मैथ स्टैट्स लॉजिकल रीजनिंग आपका ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स पार्ट वन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स पार्ट टू वही मैथ्स वन मैथ्स और स्टैट्स के फॉर्म में है और साथ में ला लिया इन्होंने क्या लॉजिकल रीजनिंग और फिर तीसरा सब्जेक्ट जो सॉरी लास्ट सब्जेक्ट जो है वो है इकोनॉमिक्स का वापस इकोनॉमिक्स भी सौ मार्क के लिए अब इकोनॉमिक्स में इन्होंने बदलाव क्या किया पहले वाले इकोनॉमिक्स के साथ में सब्जेक्ट जुड़ा हुआ था बिजनेस कमर्शियल नॉलेज चालीस मार्क के लिए वो कर दिया उन्होंने पूरी तरह से डिलीट और उसकी जगह पांच नए चैप्टर्स लेके आ गए इकोनॉमिक सब्जेक्ट में इन द फॉर्म ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो मतलब वही आपका लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई ये सारी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स में और फिर नेशनल इनकम पॉपुलेशन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये सारी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट में इसमें से ये जो दो सब्जेक्ट हैं मैथ्स और इकोनॉमिक्स ये आपके एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स हैं मतलब जय माता दी नहीं करना है क्योंकि यहां नेगेटिव मार्किंग है राइट आई हैव सीन वन ऑफ द मार्कशीट ऑफ द स्टूडेंट वेयर ही हैज गॉट इन द सब्जेक्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट एज माइनस सेवन माइनस सेवन अचीवमेंट देखो बंदेगी सॉरे जय माता तो करेक्ट वाले तो मिले ही नहीं रॉन्ग वालों के लिए निगेटिव हो गया राइट right? और ये जो दो पेपर हैं, दीज आर कॉल्ड एज सब्जेक्टिव पेपर्स, जैसे हम लोग हमारी टेंथ तक के पेपर्स लिखते थे उसी फॉर्मेट में हम लोग पेपर लिखने वाले हैं फॉर द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स एंड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ लॉ सौ सौ मार्क के पेपर ये दोनों पेपर के लिए आपके पास समय होता है एंड आप एग्जाम देते थे जब भी आप एग्जाम देने जाते थे पेंसिल चार्ज हो रही है दो मिनट जब भी आप एग्जाम देने जाते थे तो नॉर्मली क्या होता था आपको पहले आंसर शीट दिया जाती थी आंसर शीट में आप अपना नाम गांव पत्ता जो भी रोल नंबर वगैरह सब कुछ लिखते थे उसके बाद में आपको कुछ देर के बाद में क्वेश्चन पेपर दिया जाता था फिर आप फटाफट फटाफट लिखना चालू करते थे यहां एग्जैक्टली exactly रिवर्स है यहां आपको पहले दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर पढ़ो समझो लगता है कि लिख पाएंगे तो बैठो नहीं तो जाओ हाँ ऐसा कुछ नहीं है दिस इज बेसिकली ट फिफ्टीन मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम इज गिवन फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर क्योंकि जब सीए फाउंडेशन की या सीए इंटर की या सी ए फाइनल की एग्जाम होती है तो यहां पेपर की लेंथ थोड़ी सी बड़ी होती है लाइक सीए फाउंडेशन का जो अकाउंट का पेपर आता है लगभग लगभग सोलह पन्ने का क्वेश्चन पेपर होता है अब सोलह पेजेस का अगर क्वेश्चन पेपर होगा तो पढ़ने में थोड़ा तो समय लगेगा या नहीं स्टूडेंट्स कंप्लेंट किया करते थे कि हमारा क्वेश्चन पेपर पढ़ने में इतना समय चले जाता है कि हम लोग एग्जाम क्या ही लिखेंगे और इस वजह से शायद बच्चे पास नहीं हो रहे थे ऐसा आईसीए को लगता था हालांकि वो बात अलग है कि हम जब सीए कर रहे थे मेरे सीए फाइनल के टाइम पे एफएम का पेपर आया था 32 पन्ने का 32 पेजेस क्वेश्चन पेपर हाँ क्वेश्चन पेपर सर क्वेश्चन पेपर था बुकलेट थी एनी पास दैट एग्जाम तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमको लिबर्टी हमको कन्वीनियंस हमको लीनियंसी की आदत पड़ गई और आईसीआई भी उतने फैसिलिटीज दे रही है तो आपके पास फैसिलिटी है पंद्रह मिनट रीडिंग टाइम पहले आप आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा आप क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद में आपको समझ आएगा कि आखिर आपने एग्जामिनेशन में आंसर कहां से स्टार्ट करना है राइट right? जहां तक बात है सीए इंटर फाइनल में तो खैर बंदे एकदम प्रो हो जाते हैं पता है फाइनल में बंदे के पास जैसे क्वेश्चन पेपर आता है पंद्रह मिनट में बंदा क्वेश्चन पेपर पढ़ता है डिसाइड करता है बैठू या जाऊं सिंपल सी बात है ना कि सी एग्जाम अगर आप एक पेपर फेल हुए तो भी अगली एग्जाम में आना है सारे पेपर वापस से लिखते हैं और अगर आप सारे पेपर में फेल हुए तो भी आपने वापस आना है सारे पेपर लिखते हैं तो अगली एग्जाम की अभी से तैयारी करता हूं क्यों टाइम वेस्ट करूं ऐसा फाइनल वाला बंदा सोचता है राइट right? फाइनल अलग लेवल होती है वहां पे बंदे के बारे में बंदे को बड़ा क्लियर क्लैरिटी होती है अपने बारे में कि अपन ने ये वाली एग्जाम पास करनी है अगली वाली एग्जाम पास करनी है राइट right? फाउंडेशन वाला बंदा नहीं छोड़ता है फाउंडेशन वाला बंदा कितना भी कुछ हो जाए भले पूरे तीन घंटे में बंदे को दो ही क्वेश्चन लिखने को आए तो भी डटा रहेगा नहीं मैंने तो एग्जाम लिखनी है मैंने पैसे पूरे वसूल करने तीन घंटे के पैसे दिए तीन घंटे यहीं डटा रहूंगा पिक्चर कितनी भी खराब हो तो होता है ना अपन कभी कभी पिक्चर देखने जाते हैं बहुत बकवास अल्ट्रा बकवास पिक्चर एकदम शाहरुख खान वाली अशोका तो आई थी ना शाहरुख खान की एक अशोका नाम की पिक्चर नहीं सर ऐसी चीज़ें हम लोग देखते हैं। सुनते भी नहीं हैं और शाहरुख खान चाँद से नहीं है सर आप कोई अच्छे एक्टर के बारे में बात करो आयुष्मान खुराना नहीं सर हम ही नहीं देखते ऐसी सिचुएशन है पिक्चर ही नहीं देखते हो देखते हो ना हाँ जवान देखी हाँ, सर जवान कैसे नहीं देखेंगे सर वो देख के लोग जवान हो रहे हैं हाँ, ये पचपन साल की उम्र में बंदा इतना जवान दिख रहा है यहां लोग सोलह साल में इंतजार कर रहे हैं कि हमारी जवानी अब ऐसी इतनी कब आएगी खैर तो थ्री आवर्स एंड फिफ्टीन मिनट्स दैट फिफ्टीन मिनट्स इज फॉर द रीडिंग ऑफ योर क्वेश्चन पेपर एंड थ्री आवर्स इज फॉर राइटिंग ऑफ द आंसर पेपर तो यहां आपको पहले क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और उसके बाद में आंसर शीट दी जाती है फिर आता है फिफ्टीन मिनट्स एमसीक्यू एमसीक्यू बेस्ड पेपर जिसके लिए आपको मिलते हैं टू आवर्स फॉर हंड्रेड क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व ऑल द हंड्रेड क्वेश्चन इन द गिवन टू आवर्स ओनली मतलब एक क्वेश्चन के लिए ऑन एन एवरेज एक मार्क के लिए ऑन एन एवरेज आपको सिर्फ और सिर्फ बहत्तर सेकंड्स दिए जाते हैं 72 सेकंड्स। यू हैव टू रीड अंडरस्टैंड कैलकुलेट द आंसर गेट द करेक्ट आंसर एंड देन मार्केट ये सारी प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है विद इन दैट 72 सेकंड्स। ऑलराइट जहां तक बात है पहले दो पेपर्स की यहां देर इज नो निगेटिव मार्किंग अकाउंट्स के पेपर में लॉ के पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है पर एमसीक्यू बेस्ड पेपर की जब हम बात करें तो करेक्ट आंसर दोगे तो प्लस वन रॉन्ग आंसर दोगे तो माइनस पॉइंट टू फाइव और अगर आंसर को ब्लैंक कर दोगे तो जीरो दैट विल बी द मार्किंग स्कीम फॉर योर पेपर्स इन योर सीए फाउंडेशन एग्जाम राइट अब आखिर सीए एग्जाम सीए फाउंडेशन एग्जाम हम पास हो गए ये कैसे तय होगा द पासिंग क्राइटेरिया फॉर द फाउंडेशन एग्जाम इज इंडिविजुअल सब्जेक्ट यू नीड टू गेट फोर्टी मार्क्स बेर मिनिमम आपके इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट में एवरेज कितने मार्क्स आने चाहिए एवरेज नहीं सॉरी इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स आने चाहिए फोर्टी मार्क्स दैट इज सब्जेक्ट वाइज पासिंग एंड एग्रीगेट ऑफ ऑल एग्रीगेट शुड बी मिनिमम टू हंड्रेड मार्क्स मतलब यह हुआ कि आपको सब्जेक्ट वाइज भी पास करना है और टोटल में भी पास करना है अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट वाइज पास हुए आपको अगर सपोज बंदे का एकदम परफेक्शन वाला लाइफ स्टाइल है 45, 45, 45, 45, इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में पास द टोटल ऑफ दैट कम्स टू वन हंड्रेड एंड एटी द स्टूडेंट विल बी डिक्लेयर एज फेल एंड नेक्स्ट एग्जाम अगेन सर वो सिर्फ बीस मार्क के लिए एग्जाम लो ना बीस मार्क के शॉर्ट थे ना है ना वो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल इधर नहीं ऑन टॉप ऑफ दैट अगर स्टूडेंट को टोटल में 200 से ज्यादा है मान लो किसी की टोटल 220 बन गई पर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इफ दैट स्टूडेंट इज गेटिंग 39 और लेस देन दैट द स्टूडेंट विल अगेन बी डिक्लेय एज फेल अगेन इन द नेक्स्ट एग्जाम ही विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव ओनली फॉर द एग्जाम फॉर द पेपर वेरी इज गॉट लेस देन फोर्टी मार्क्स उस स्टूडेंट को सारे पेपर वापस लिखने पड़ेंगे कम अगेन सी ए फॉर ऑल पेपर्स इस बार जब जून 2023 में एग्जाम हुई थी वही 400 मार्क के पेपर वही पासिंग क्राइटेरिया देर वॉज द स्टूडेंट हु 239 मार्क्स कितना टू इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स द स्टूडेंट गॉट 37 एंड इज रिक्वायर्ड टू गिव दी ए फाउंडेशन का एग्जाम अगेन इन डिसंबर ऑफ 2023 फॉर दो थ्री मार्क्स सारे सब्जेक्ट का सिर्फ मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं सारे सब्जेक्ट वापस लिखने पड़ेंगे देर वाज द स्टूडेंट हू गॉट 252 मार्क्स द सब्जेक्ट ऑफ लॉ थर्टी थ्री टोटल कितना टू हंड्रेड एंड फिफ्टी टू एंड सब्जेक्ट ऑफ लॉ थर्टी थ्री मतलब यह हुआ कि तीन सब्जेक्ट भी मिला लिए तो भी उसके दोस्तों से ऊपर चले गए थे स्टिल द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर टू गिव ऑल द पेपर्स अगेन इन डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री

एट सी ए फाउंडेशन लेवल एग्जाम्शन डज नॉट अप्लाई। एग्जाम्शन इज द कंसेप्ट विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम सी ए इंटरमीडिएट ऑनवर्ड्स। फाउंडेशन एग्जाम्शन का मतलब क्या इफ इन ईदर ऑफ द सब्जेक्ट यू हैव स्कोर्ड मोर देन सिक्सटी मार्क्स सिक्सटी और अब देन इन द सबसिक्वेंट एग्जाम यू आर नॉट सपोज टू गिव दैट पेपर दैट इज कॉल्ड एज एग्जाम्शन पर ये एक्जम्पशन जो अप्लाई होता है ये इंटरमीडिएट ऑनवर्ड्स अप्लाई होता है फाउंडेशन में एक्जम्पशन का कांसेप्ट अप्लाई नहीं होता है अदरवाइज तो वो 252 वाला तो बंदा ऐसी पास था ना क्योंकि तीनों सब्जेक्ट का मिला के उसका 200 200 कितना था 219 मार्क्स थ्री सब्जेक्ट्स ओनली तो वो बंदा तो एनीवेज उसको सिर्फ बैट्स ही देना पड़ता फिर बट एक्जम्पशन का क्राइटेरिया आपके फाउंडेशन में अप्लाई नहीं होता है दैट कम्स एट इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल तो यहां की बात तो बड़ी सिंपल है आपको पास करने पड़ेंगे चारों पेपर और साथ ही साथ चारों पेपर की टोटल बननी चाहिए बेर मिनिमम 200 अगर 199 हुआ तो भी फेल देर आर द स्टूडेंट्स देर वॉज द स्टूडेंट ही गॉट 198 वो एक सब्जेक्ट में भी फेलता हो बात अलग है पर टोटल वॉज वन नाइन एट एंड फॉर आईसीए नाइन एट मीन्स वन मींस एट थर्टी नाइन मीन्स थर्टी नाइन दे इट दे वोट चेंज इट तो इसलिए बहुत ही सिंपल तरीके से बोल दूं एक तो इस क्राइटेरिया के पीछे का, का रीजन ये है कि आप कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दो आपने अगर पढ़ाई करनी है सीए कोर्स की तो आपको सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी मेरे को अकाउंट्स अच्छा लगता है मेरे को इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं लगता है मेरे को इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है मेरे को लॉ अच्छा नहीं लगता है पूछा तुमसे तुमको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है कौन सा सब्जेक्ट बुरा लगता है ये पूछा नहीं नहीं पूछा तो मतलब क्या सिंपल आपको सारे पेपर्स पे ध्यान देना पड़ेगा सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा सर मेरा इलेवेंथ और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स नहीं था ऐसे कितने लोग हैं सर मेरे से फाउंडेशन झेपे जाएगा क्या बिल्कुल देर वोन्ट बी एनी प्रॉब्लम फॉर यू पीपल हु हुई सी ए कोर्स इवन दो देर नॉट हैविंग मैथ्स एज ए सब्जेक्ट माइंड वेल मैं ऐसा बच्चा हूं जिसको इलेवन ट्वेल्थ में कभी मैथ्स नहीं था क्यों तो हमारे यहां कंसेप्ट ही नहीं थी आई एम बेसिकली फ्रॉम अमरावती तो अमरावती में इलेवेंथ और ट्वेल्थ बोर्ड में मैथ्स ही ऑप्शन ही नहीं होता था कॉमर्स के लिए अगर मैथ्स ऑप्शन ही नहीं था तो हम मैथ्स कहां से करते सो आई डिड मैथ्स ओनली इन द फर्स्टेंट विथ टू हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स मार्क्स दैट इज एप्सोल्यूटली पॉसिबल इसलिए यह सोचना बंद कर देना कि मेरे से होगा या नहीं और मेरे से होगा या नहीं यह कंसेप्ट बड़ी गलत होती है पता है आर द ह्यूमन बींग हम लोग हमारे ब्रेन को हमारे माइंड को जैसे ट्रेन करेंगे वो वैसे काम करेगा वी विल नेवर फाइंड इवन अ सिंगल प्रॉब्लम व्हेन वी आर डूइंग सम एक्टिविटीज और हमने अपने ब्रेन को पहले से बोल के रखा है कि भैया मैंने तो पढ़ाई करनी है तो अपने आप पढ़ाई होती है राइट right? तो पासिंग क्राइटेरिया है फोर्टी परसेंट इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड फिफ्टी परसेंट इन एग्रीगेट अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया को पूरा करते हो तो यू बिकम द सॉरी यू क्लियर द फर्स्ट लेवल दैट इज कॉल्ड ए सी ए फाउंडेशन अब इसके पहले की मैं आगे की कार्यवाही में बढ़ू और आगे की चीजें आपको बताऊं कि आगे का कोर्स कैसा रहेगा ऑफकोर्स पूरा बताऊंगा मैं आपको डिटेल में हु विल बी टीचिंग वॉट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट आई एम गोइंग टू टीच इट

इनका एक्सपीरियंस टोटल एक्सपीरियंस पढ़ाने का मेरी उम्र से सिर्फ पांच साल कम है हिज बिन टीचिंग फॉर ऑलमोस्ट फोर डिकेड्स नाउ थर्टी एट नो थर्टी नाइन ईयर इज बिन टीचिंग राइट सो प्रोफेसर एस एम जोशी अलॉन्ग विथ हिम विल बी सी ए सी एस दर्शन करे हिल बी टेकिंग टेकिंग केयर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ लॉ अलॉन्ग विद एस एम सर जहां तक मैथ्स सब्जेक्ट की बात है यहां हमारे पास एक ही बंदा काफी है आज तो इनसे नहीं मिल पाओगे पर कल इनसे मुलाकात होगी आपकी इनका नाम है प्रोफेसर जी बी जोशी गिरीश बी जोशी ही डील्स विद सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स एंड इज बिन डूइंग इट फॉर लास्ट थर्टी फाइव इो इन मैथ्स

he'll be dealing with the subject for the micro part and for the macro part it will be ca Rishab Jain इनको हम लोग आरजे के नाम से जानते हैं भले ही वो गाने नहीं बजाते तो ये लोगों की बजाते हैं तो ऐसे ये फैकल्टी है जो आपको फाउंडेशन पार कराने वाले हैं अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कतें आती हैं इन अ सेंस आप पढ़ाई कर रहे हो आपको सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है आपको कोई क्वेरी है कोई डिफिकल्टी है कोई प्रॉब्लम है ये सारी डिफिकल्टीज प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये सारे फैकल्टी अपना नंबर आपके साथ शेयर करते हैं जिस पर वो आपको रिस्पॉन्ड करते रहते हैं अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो दूसरा कई बार कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जिसको आप फोन पे नहीं पूछ सकते हो इतना कौन टाइप करेगा या फिर उतना सब मैसेज टाइप करना इज अ डिफिकल्ट टास्क यू कैन गो टू द फैकल्टी इन द ऑफिस यू कैन टॉक टू देम एंड यू कैन गेट योर क्वेरी सॉल्व देर बी नो प्रॉब्लम ऑन दैट फ्रंट एज वेल तो जहां तक बात है आपके क्वेरीज की रिलेटेड टू सब्जेक्ट हो या कुछ केसेस में हो सकता है बियॉन्ड सब्जेक्ट भी डिफिकल्टी होती है अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक बच्चा आया था सर मेरा अभी एग्जाम है उसका दिसंबर 2023 में सर पढ़ाई तो ठीक चल रही है क्लास चल रही है पर अब के बाद अगले दो महीने को कैसे अप्रोच करूं तीन महीने को कैसे अप्रोच करूं तो हम लोग टाइम टेबल डिस्कस कर रहे थे तो आपको कई सारी डिफिकल्टीज आती है जो आप शेयर करना चाहते हो डिस्कस करना चाहते हो यू कैन गो बैक टू द फैकल्टी यू कैन कंफर्टेबली हैव द डिस्कशंस ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू वांट विथ ईदर ऑफ द फैकल्टी एक बात याद रखना जब आप एकत्वम में हो तो आप अपने घर पे हो एट एकत्वम योर फैमिली योर इनफैक्ट योर टीचर्स वुड बी कंसिडर्ड एज योर सेकेंड पेरेंट्स वी बिलीव हंड्रेड परसेंट इन दिस फिलोसॉफी दैट योर पेरेंट्स आर योर फर्स्ट टीचर्स and your टीचर्स are your second parents and every फैकल्टी एट ekatvam believe in such philosophy फिलोसॉफी तो आपको कहीं पे भी क्योंकि आप जो कोर्स कर रहे हो मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ पहले दिन पे कह रहा हूं आप जो कोर्स कर रहे हो ना यहां कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कई पॉइंट पे आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है करनी है मन है दिल है पर जिस लेवल की पढ़ाई चाहिए उस लेवल की पढ़ाई नहीं हो रही है तो यू नीड द सोल्यूशन एट दैट टाइम और उन सोल्यूशन के लिए आप इन फैकल्टी को अप्रोच कर सकते हो यह फैकल्टी आपको हंड्रेड परसेंट पॉजिटिव सोल्यूशन ही देंगे नन ऑफ द फैकल्टी विल बी ट्राइंग टू काइंड ऑफ अवॉइड यू और समथिंग लाइक दैट दे विल बी गिविंग यू द पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑन एनीथिंग दैट यू हैव इन योर ब्रेन राइट तो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट के बियॉन्ड भी अगर आपको डाउट आते हैं तो यू कैन सिंपली आस्क द क्वेश्चन टू द फैकल्टी इज अ पॉइंट राइट अब मान लो आप सी ए फाउंडेशन हो गए पास द रिजल्ट ऑफ दिस विल बी कमिंग इन जुलाई नहीं ऑगस्ट क्योंकि जून में आपकी होगी एग्जाम आपका रिजल्ट आएगा इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट 2024 यू गेट रिजल्ट रिजल्ट ऑफ वॉट सी ए फाउंडेशन मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि आप ये फर्स्ट अटैम्प में पास हो गए और ये बहुत ऑनेस्टी के साथ कह रहा हूं मैं कि अगर आपने एफर्ट्स डाले हैं अगर आपने पढ़ाई की है अगर आपने मेहनत की है तो आपको कोई माइक का लाल फेल नहीं कर सकता दिक्कत क्या होती है पता है हम लोग शुरुआत करते हैं सी ए कोर्स किसी को मिलते हैं हम क्या कर रहे हैं भाई सी ए कर रहा हूं फिर उस जोश जोश में हम लोग इनिशियली बहुत पढ़ाई करते हैं क्लास चार घंटे का हम लोग घर पे चार घंटे पढ़ाई कर रहे हैं कुछ नहीं पढ़ने के लिए फिर भी पढ़ रहे हैं वो आगे की चीजें पढ़ते जा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा फिर भी पढ़ रहे एंड दो महीने तक के इतना मोमेंटम कड़क रहता है कि हम लोग को लगता है बस और उसके बाद आता है कोई पॉइंट पे सैचुरेशन क्योंकि यू आर ट्राइंग टू ओवर डू द थिंग्स और फिर वो जो जिस मोमेंटम में आप थे वो सारा मोमेंटम हो जाता है गायब और फिर घर वाले रोज सुबह शाम चिल्ला रहे हैं हमको तो दिख ही नहीं रहा है कि तू पढ़ाई कर रहा है हमको तो लग ही नहीं रहा है कि तू कर रहा है और बाद में अचानक से हम लोग फूट पड़ते हैं घर पे हाँ ठीक है नहीं करनी पढ़ाई जाओ क्या करना है फिर वो घर वाले लेके आते हैं काउंसिलर के पास फैकल्टी के पास तो ट्वेल्थ में हुआ था हमारे साथ है ना ट्वेल्थ स्टैंडर्ड हम लोग जब कर रहे थे स्पेशली जब ट्वेल्थ आई थी इलेवंथ तक के घर वाले बिल्कुल निश्चिंत थे इलेवेंथ तक हमारे घर वाले हमको पूछते भी नहीं थे तेरा क्या चल रहा है क्या जिंदगी और स्पेशली जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके तो सवाल ही नहीं उठता है, है? इलेवेंथ में तो घर वालों को बोल दो ना कि मैंने पढ़ाई करनी दिमाग खराब हो गया तेरा थ कॉमर्स कर रहा है तो याद रख कॉमर्स में कोई पढ़ाई करता है हमने तो नहीं की ऐसे तो टाइम पे और ट्वेल्थ आई एक बार जैसे ट्वेल्थ स्टार्ट हुई बग लक्ष्य दिया बोर्डेड बोर्ड ये जो इन्होंने सुना सुना के हमारा खून पिया है ना इतना तो कोई मच्छर भी खून ना पिए ट काइंड ऑफ सिचुएशन सुबह शाम उठते सोते सुबह आते जाते हर पॉइंट पे याद दिलाते बोर्ड है बोर्ड कितने लोगों घरवालों ने उनकी हालत खराब की थी बोर्ड्स कह कह के वन टू थ्री फोर फाइव इज्जत से और तो बाकी वो बिल्कुल निश्चिंत घर वाले कोई टेंशन नहीं हाँ हॉस्टल अच्छा हॉस्टल में थे इनके फायदे ही अलग है इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दर्द पीड़ा क्या पता है हॉस्टल वालों का संडे को कपड़े धोना यह सबसे बड़ा दुख दर्द पीड़ा और दूसरा इनका दुख हो जा, दूसरा लेवल कि संडे के दिन रात में मेस नहीं होती है इसलिए लाइफ मेस में बन रहती है दैट इज द ओनली थिंग दैट दे हैव बाकी अदरवाइज हॉस्टल वाले बंदे इतने खुश होते हैं ना लोकलाइट बंदे इतना पुना नहीं देखते जितना हॉस्टल वाले बंदा पुना देख के आता है कितने लोग लोकलाइट है प्रॉपर पुणे के प्रॉपर पुणे के पुणे पी सी एम सी दैट इज अच्छा और बाकी सारे हॉस्टल वाले हो कब आए हो तुम पहली बार अभी आए हो कि पहले से हो इसी साल आई है तू अभी और तू कितने साल से यहाँ पे अभी आई है, अभी आए हो सारे ठीक है फिर ठीक है हाँ तुमसे मैं तीन महीने बाद बात करूंगा आ, मतलब ये जो आज इतना शांत बैठे ना अपने सामने ऐसे शांति से बात कर रहे हैं कोई नहीं मास्तर है इज्जत दे रहे हैं तीन महीने बाद बात करेंगे मतलब इनके ना तो वो बदल जाता है माहौल ही बदल जाता है ये पुनाइट हो जाते हैं अचानक से और फिर वो मतलब सीरियसली मैं बोलता हूँ बीनलाइट माइसे मतलब मैं फाउंडेशन अमरावती से किया इंटरमीडिएट फाइनल यहाँ पुना में ही की मैंने तो यहां आने के बाद में कहानी बहुत ही अलग थी मतलब हमारे लोकलाइट जो दोस्त होते थे ना उनको हम लोग कभी पूछते थे ना कि एक पर्टिकुलर एरिया में जाना है देन दे विल सिंपली रिप्लाई नहीं यार हमको पता ही नहीं है एंड फॉर आज आज तो खैर ठीक है आजकल आपके पास गूगल है कहीं पे भी जाना है हे गूगल टेक मी टू दिस प्लेस और गूगल आपको पर्सनली लेके जाता है पर उस समय पर गूगल नाम की चीज ही नहीं होती थी ना और उस समय पर हमको उन लोकलाइट लोगों से ज्यादा जगहें पता थी ज्यादा ज्यादा रस्ते पता थे हालांकि हमारे पास गाड़ी भी नहीं होती थी हम लोग तो बसेस में घूमते थे तो भी रास्ते पता होते थे खैर वो घर वालों के रिस्ट्रिक्शन अलग लेवल के होते संध्या का ही साथ लेक्चर संपला की घर कहा सात घर ऑफ प्रॉब्लम प्रॉब्लम और अगर सपोज किसी दिन लेट हो गए जेन्यूनली लेट हुआ कहा था किसके साथ था इतना लेट फोन नहीं करते आते कम से कम घर वालों को बता दे इतनी जिम्मेदारी भी नहीं है लाइफ में तुमको यही सिखाया है तुमको हमने जिंदगी भर हम कभी बाहर जाते हैं तो हम तुमको बता के जाते हैं ना खाना की बताएंगे कभी भी नहीं हम लोग पूछ पूछ के टोक टोक के उनसे ये करते हैं कि हाँ पता चले अपने को पर सुनने को बहुत मिलता है और फिर कहानी ना शुरुआत तो वहां से होती है आखिर में कहा चली जाती है वो छोड़ दो खैर भुक्त तो भोगी हूं यार एज अ पेरेंट नॉट एज ए स्टूडेंट तो अब आ गया आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आप हो गए सीए फाउंडेशन पास ठीक है हामीन। अब वो आएगी आपकी नेक्स्ट लेवल दैट इज कॉल्ड एज सीए इंटरमीडिएट। वापस आपको सी ए फाउंडेशन एग्जाम पास करने के बाद में सी एफ इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम आएगी आप लोगों के लिए इन मे ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव आई हैव अज्यूम्ड योर पास द सी ए फाउंडेशन इन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर सी ए इंटरमीडिएट में आपके पास रहेंगे दो ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप वन में तीन पेपर्स, सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स, जिसे अब एडवांस अकाउंट के नाम से जाना जाता है सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप टू में चला गया अब सब्जेक्ट ऑफ लॉ टैक्सेस दैट इज डीटी एंड आईडीटी, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस पचास पचास मार्क के लिए और उसके बाद ग्रुप टू में आता है ऑडिट कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पचास मार्क के लिए और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पचास मार्क के लिए ऐसे छह पेपर हैं आपके सीए इंटरमीडिएट में दो ग्रुप्स में बैठे हुए सर दो ग्रुप्स में क्यों बांटे हैं आपके पास है ऑप्शन ऑप्शन ऑफ वॉट आई गिविंग वन ग्रुप और बोथ एट द सेम टाइम आप दोनों ग्रुप एक साथ देना चाहो तो दोनों ग्रुप दे सकते हो आप एक एक करके ग्रुप पास करना चाहो तो आप एक एक करके ग्रुप पास कर सकते हो हालांकि नए स्ट्रक्चर के हिसाब से जब तक आप सीए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स पास नहीं कर लेते तब तक आप अपना नेक्स्ट लेवल स्टार्ट नहीं कर सकते तो भले ही आपके पास ऑप्शन है कि आप एक एक करके एग्जाम देना चाहते हो मान लो आपने में 2025 में सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम ग्रुप वन की दी तो आपको नवंबर 25 में सीए इंटर का सेकंड ग्रुप क्लियर करना पड़ेगा उसके बाद ही आपकी आगे की कहानी चालू होगी पर आपके पास यह भी ऑप्शन है कि आप दोनों ग्रुप एक साथ दे दो ऑफ कोर्स हम लोग हमेशा हर स्टूडेंट को यही सजेस्ट करते हैं दैट वन शुड गिव बोथ द ग्रुप इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इट्स थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है पर वो जरूरी भी है इसके पीछे तीन रीजन कहते हैं हम लोग वाई वन शुड गो फॉर बोथ द ग्रुप्स रीजन नंबर वन योर आर्टिकलशिप योर फाइनल लेवल नेक्स्ट लेवल विल स्टार्ट ओनली आफ्टर क्लियरिंग बोथ ग्रुप्स दूसरा रीजन जब आपके दो ग्रुप्स होते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर बना रहता है डू नॉट बिकम लेथार्जिक यू कीप स्टडिंग यू कीप फोकसिंग तीसरा रीजन जब आप दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प में एक साथ पास करते हो तो आपकी मार्केट में इज्जत होती है मतलब क्या जब आप अपने लिए नौकरी ढूंढने जाओगे इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकलशिप जो आपको सी ए के अंडर काम करना होता है फॉर अ पीरियड ऑफ टू ईयर्स जब अब वो काम ढूंढने जाओगे और बोध्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए हैं तो आपकी मार्केट में इज्जत थोड़ी ज्यादा होगी आपको अच्छी फॉर्म्स में भी आर्टिकल्स मिल सकती है अच्छी फॉर्म मतलब क्या प्राइमरीली सीए फॉर्म्स प्राइमरीली सीए फॉर्म्स में कैटेगराइजेशन है देर इज समथिंग कॉल्ड एज बिग फोर बिग फोर मतलब क्या टॉप फोर चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म्स जिसमें आती है के पी एम जी अर्नस्ट एंड ई बायर कूपर्स डेलाइट हास्किन सेल्स ये चार टॉप फॉर्म्स मानी जाती हैं विश्वव्यापी फॉर्म्स हैं इनको बहुत जगहों पे काम है इनकी बहुत जगहों पे ऑफिस हैं अकेले इंडिया में इनके पास दिल्ली में ऑफिस हैं पुणे में हैं मुंबई में हैं हैदराबाद में हैं बेंगलोर में हैं चेन्नई में हैं अलग अलग जगहों पे इनके ऑफिस हैं इन जैसी फॉर्म्स में अगर हमको काम करना हो तो हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में बोध ग्रुप पास करना जरूरी है अब इन जैसी फॉर्म्स में काम करने की जरूरत क्या है अगर आप एस्पायर कर रहे हो कि आपने कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करके कहीं अच्छी जगह जॉब करनी है इट विल ऑलवेज बी क्रिएटिंग एन एडवांटेज टू वर्क इन दीज काइंड ऑफ फॉर्म्स क्योंकि आपके इंडस्ट्रीज रिलेशन बन जाते हैं टॉप लेवल पे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बताऊं ये लोग जो स्टाइपेंड देते हैं ना केपीएमजी फर्स्ट ईयर का स्टाइपेंड देता है पंद्रह हजार रुपए पर मंथ पर मंथ आप अभी तक सीए नहीं हो फिफ्टीन थाउजेंड पर मंथ ट्रैवल अलाउंस अलग डेली अलाउंस अलग अगर आप आउट स्टेशन ऑडिट्स पे हो तो इस तरह से ऑफकोर्स काम भी उतना ही करवाते हैं सुबह आठ बजे आना है बस आना है तुम आओगे तो तुम्हारी मर्जी से जाओगे हमारी मर्जी से दैट काइंड ऑफ थिंग तो पैसा देते हैं यार देर वॉज द स्टूडेंट शी परचेज वैगन आर कार फ्रॉम द स्टाइपन का इनकम ओनली स्टाइपन का इनकम क्यों तो बोल रही थी कि मंथली एक्सपेंसेस तो वो टीएडीए में ही निकल जाते थे जो फूड री मिलते थे उसमें हमारे मंथली एक्सपेंसेस निकल जाते थे बाकी तो स्टाइपन पूरा बचता था इसलिए बाद में वैगनार गाड़ी खरीद ली आउट ऑफ स्टाइपन इनकम मैं क्या सही है हम लोग जब आर्टिकल शिप करते थे मेरा मंथली स्टाइपन था चार सौ रुपया फोर हंड्रेड रुपीज पर मंथ इज वॉट आई यूज टू गेट इन द फॉर्म ऑफ स्टाइप सेकेंड ईयर इट वॉज फाइव थर्ड ईयर इट वॉज सेवन और यहाँ पे हजार रुपए पर मंथ इन द फर्स्ट ईयर इट मतलब पर डे पांच सौ रुपया पंद्रह हजार महीने का मतलब पांच सौ रुपया पर डे हुआ है नहीं एवरेज बेसिस पे और सेकेंड ईयर इट इज ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ इस तरह से आपको स्टाइपेंड मिलता है तो इसलिए उसके बाद आती है बिग टेन्स लाइक ग्रैंड थॉर्टन नाम की एक कंपनी है बीटीबी लिमोरिया मोरिया पंडित शाह खंडेलवाल जैन कल्याणीवाला मिस्त्री ये इसे हम लोग शार्पन टेन इन सबको हम लोग कहते हैं बिग टेन फॉर्म्स आफ्टर द बिग फोर्स और उसके बाद आती है मिड साइज फॉर्म्स तो आपको किस तरह की कैटेगरी के फॉर्म में काम करना है उस पर डिपेंड करता है कि आपने फर्स्ट अटैम्प में बोध ग्रुप क्लियर करना चाहिए या नहीं लॉजिकली हा पर फिर भी नहीं मेरे को प्रेशर नहीं लेना है किंग साइज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे थोडा थोड़ा-थोड़ा करके पास होंगे। आप एक ग्रुप एक समय पे दे रहे हो या दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हो सारे के सारे पेपर सब्जेक्टिव सारे के सारे पेपर्स में थर्टी परसेंट एमसीक्यूज होते हैं पहले सिलेक्टेड पेपर्स में थे पर अब सारे पेपर्स में थर्टी परसेंट क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं और सबसे मजे की बात ये सीए इंटरमीडिएट के एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती मतलब जय माता दी जिंदाबाद क्योंकि वहां क्वेश्चन ही समझ नहीं आते इसलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होती राइट right? इंटरमीडिएट है ना एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यहां पर भी आपको तीन घंटा पंद्रह मिनट मिलेगा पर पेपर जिसमें आपको वो पेपर कंप्लीट करके देना है यहां पासिंग क्राइटेरिया जैसे मैंने कहा इज डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर अपियरिंग फॉर वन ग्रुप और बोथ ग्रुप क्राइटेरिया सेम है दैट इज फोर्टी परसेंट पर पेपर एंड फिफ्टी परसेंट एग्रीगेट यह आपका पासिंग क्राइटेरिया अगर आपको हर पेपर में चालीस या उससे ज्यादा मार्क्स है और अगर सबका मिला के टोटल 150 अगर आपने एक ग्रुप एक समय पे दिया है और 300 अगर दोनों ग्रुप एक साथ दिए हैं तो तीसरा रीजन वाई वन शुड गो फॉर बोथ ग्रुप और वो ये कि जब आप बोथ ग्रुप एक साथ देते हो मान लो आपके फर्स्ट ग्रुप में आपको मिले 160 मार्क्स दोनों ग्रुप एक साथ अपियर किए सब सारे सब्जेक्ट पास टोटल कितना हुआ 160 और सेकंड ग्रुप में आपका टोटल बना 140 फर्स्ट ग्रुप का टोटल कितना वन सिक्सटी सेकेंड ग्रुप का टोटल कितना वन फोर्टी टोटल दोनों का मिला के कितना हुआ थ्री हंड्रेड द स्टूडेंट विल बी डिक्लेयर्ड एज पास बोथ ग्रुप्स क्यों एक्सेस ऑफ वन ग्रुप कैन बी यूज फॉर सेट ऑफ ऑफ द सेकेंड ग्रुप वेन इट कम्स टू दी ए इंटरमीडिएट दूसरी बात अगर आप ये एस्पायर कर रहे हो कि आपको मेरिट रैंक लानी है फाउंडेशन में नहीं होती है इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल पे आईसीआई मेरिट रैंक डिक्लेयर करती है पचास रैंक ऑल ओवर इंडिया अगर आप एस्पायर कर रहे हो कि आपको मेरिट रैंक आना है तो आपको बोध ग्रुप एक साथ देने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है फर्स्ट अटैम्प में आपने दिए 300 मार्क में से आपको 250 मिल गए सेकंड अटैंप में सेकंड ग्रुप दिया उसमें वापस 250 मार्क मिल गए टोटल 500 सौ यू विल नॉट बी डीक्लेयर एज मेरिट इवन इफ यू हैव गॉट द नंबर टोटल नंबर बेटर देन द मेरिट रैंकर क्योंकि आपने बोध ग्रुप एक साथ नहीं दिया आपका मेरिट रैंक सिर्फ तभी आ सकता है जब आप दोनों ग्रुप्स एक साथ अपियर करोगे तब इज अंट राइट दैट इज अबाउट द सी ए इंटरमीडिएट लेवल सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम का रिजल्ट आएगा जुलाई 2025 में मैं वापस अज्यूम कर रहा हूं कि आपने दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिए। अब आएगा लास्ट पड़ाव मतलब की आर्टिकलशिप दिस आर्टिकल्स विल बी ऑफ टू ईयर्स वॉट इज दिस आर्टिकल्स वर्किंग अंडर अ चार्ट अकाउंटेंट हुटिसिंग कोई भी व्यक्ति जो सी ए की एज अ प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट काम कर रहा है उसके साथ आप काम करोगे फॉर अ पीरियड ऑफ टू ईयर्स बंधुआ मजदूर क्यों बंधुआ मजदूर बहुत काम करवाते हैं यार सच में बहुत काम करवाते हैं मतलब हम लोग ऑफिस में जाते थे सुबह नौ साढ़े नौ बजे चले जाते थे रात को दो दो बजे भी वापस आते थे एंड दैट वाज अ काइंड ऑफ स्टैंडर्ड क्यों चार सौ रुपए में हा? हमारे टाइम तो चार सौ पांच सौ साढ़े सात सौ ही था ना तो चार सौ रुपए के लिए भी हम लोग दिन भर काम करते थे दिस इज मैंडेटरी यू हैव टू डू द आर्टिकलशिप अगर आपने आर्टिकलशिप कंप्लीट नहीं की तो आप सीए फाइनल की एग्जाम नहीं दे पाओगे अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर अड ऑफ टूर्स माइंड वेल एक बहुत सिंपल सी बात कॉन्फिडेंस के साथ में मैं आपके सामने खड़ा हूं ना जिस तरीके से मैं आपके साथ डील कर, कर रहा हूं इसके पीछे का सबसे बेसिक रीजन है माई आर्टिकलशिप आई डिड दैट इन अड साइज फॉर्म छोटी फॉर्म थी स्टिल आर्टिकलशिप के दौरान आप अलग अलग लोगों के साथ डील करते हो और क्योंकि हमारी छोटी फर्म थी तो हम तो डायरेक्टली जो कंपनी का मालक होता था उससे बात करते थे हम लोग के सामने जो क्लाइंट होता था हम लोग डायरेक्ट डील करते थे हमारे बॉस बहुत कम जगहों पे डील किया करते थे तो अगर आप अलग अलग, अलग लेवल पे डील करना चालू कर देते हो आप बैठे हो और आप डील किसके साथ कर रहे हो रिलायंस इंडस्ट्रीज के सी के साथ यू आर आर्टिकल स्टूडेंट वीट यू आर डीलिंग विद पर्सन क्यों क्योंकि यू आर ऑडिटर ना आप एज एन ऑडिटर जा रहे हो ना उस कंपनी में आप वो फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप खुद को थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहे हो और जब यह समझ आना चालू हो जाता है मैं एक किस्सा सुनाता हूं वी वर देयर इन बैंगलोर फॉर ऑडिट पर्पस और सीडेक का ऑडिट था सीडेक बैंगलोर का ऑडिट ऑडिट कंप्लीशन की हमको पार्टी मिली ऑडिट कंप्लीट किया वहां पे उसकी पार्टी उनकी तरफ से थी कि चलो ऑडिट कंप्लीट हुआ अब आपको पार्टी और पार्टी में ले गए हमको कहां पे? तो एक फाइव स्टार होटल में खाना खिलाने, लंच के लिए चलेगा मेरा पहला एक्सपीरियंस उसके पहले जिंदगी में कभी फाइव स्टार में नहीं गया था मैं तो यहां एक तो वो काटा चम्मच कैसे यूज करते वॉज अ बेसिक क्वेश्चन फॉर मी मतलब वो वॉट इज मतलब और हुआ क्या कि मेरा वो फोक गिर गया तो मैंने वहां बंदे को बुलाया भैया एक काटा लाना काटा लाना ट वॉज माई वर्ड एंड एट दैट टाइम ही वॉज लाइक सर वॉट तो मेरे बाजू में एक लड़की बैठी थी कलीग उसने कहा गिवी मोके एंड आखिरी में इन्होंने सब कुछ हो गया इसके बाद में कहने के डिजर्ट मंगाने वाले डेजर्ट रेत क्यों खिला रहे होरियसली नॉट अवेयर मतलब गांव का बंदा यू नो सीरियसली नॉट अवेयर की डिजर्ट आखिर क्या मंगा क्या रहे तो मैं क्या वो बाजू में जो लड़की बैठी थी मैंने उसको कहा तू जो मंगा रही मेरे लिए भी मंगा ले उसने मंगाया लीची जूस विथ वनीला आइसक्रीम अब वो लीची जूस मैंने जिंदगी में देखा पहली बार आज तक कभी लीची देखी नहीं थी ऑनेस्टली सिंसियरिटी सिंसियरिटी के साथ बता रहा हूं और वनीला आइसक्रीम ठीक है ये आइसक्रीम समझ में आ रही है इसके ऊपर ये पीला पिल सा क्या है लीची और मुझे पता ही नहीं था ना वो क्या फ्रूट है कैसे खाना है एंड एट दैट टाइम माई बॉस गेव मी द ट्रेनिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग सो यू डील विद काइंड ऑफ सिचुएशन ऑल्सो ऐसी ऐसी चीजों मतलब टिपिकल गांव का बंदा यार मतलब मैं मेरी हॉटलिंग स्टार्ट हुई थी मेरी फाउंडेशन के एग्जाम के बाद बचपन से लेके फाउंडेशन की एग्जाम देने तक मैं कभी होटल में नहीं गया एक प्रॉपर होटल में अपन डिनर करने जाते हैं या लंच लंच खाने लंज करने जाते हैं आई नेवर हैड बीन दू टू अ होटल तब तक अगर खाना कहीं जा खाने जा खाने रहे हैं तो बीच में ढाबा ढाबा पड़ा है ढाबे पे बैठ के खाना खा रहे हैं दैट दैट काइंड काइंड ऑफ ऑफ बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग हमारी फाउंडेशन की एग्जाम खत्म हुई थी उसके बाद में हमारे जो मैथ्स के टीचर थे अमरावती में उन्होंने हमको एक पार्टी दी थी पार्टी दी थी तो हम गए थे वहां पे आए थे फिंगर बॉल I was literally unaware of how to टू यूज दैट ball. वॉट इज दैट फॉर दैट वॉज बेसिक क्वेश्चन फॉर मी तो ऐसी सिचुएशन में से बाहर निकल के फिर आर्टिकलशिप में जब आप आते हो आर्टिकलशिप में आप अलग अलग लोगों के साथ में डील कर रहे हो अलग अलग बातें कर रहे हो अलग अलग चीजें सीख रहे हो एंड बिकॉज ऑफ दैट टूडे स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एट दैट टाइम आई एम हैविंग दैट कॉन्फिडेंस

वो एग्जाम पास करके आया था उस समय का मैं और आज के मैं में बहुत फर्क है एंड दैट डिफरेंस यू लर्न यू गेट थ्रू योर आर्टिकलशिप ओनली और वो आर्टिकलशिप की थी इसी वजह से जब जनवरी में रिजल्ट आया ना जनवरी ऑफ 2004 में जब रिजल्ट आया उस समय पे कॉन्फिडेंस था कि अपन अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते नहीं तो डॉक्टर डॉक्टर बनने के बाद में कहीं असिस्टेंट डॉक्टर करके पहले काम करता है दो साल तक के असिस्टेंट डॉक्टर रहता है फिर उसको कॉन्फिडेंस आता है अपन हाँ, अपनी दुकान खोल सकते हैं अभी हमारे कोर्स में ऐसा नहीं है हमारे कोर्स में बड़ा सिंपल है बंदा सीए बना अगले दिन से दुकान चालू इनफैक्ट बंदा वो वो भी इंतजार नहीं करता है सीए कब कंप्लीट होगा जब होगा होगा उसके पहले दुकान चालू पैसा कमाना है भाई है ना पैसा इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ क्योंकि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया दे से दैट मनी के नॉट बाय यू दैप्पीनेस बट आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दिस थिंग दैट मनी कैन बाय एवरीथिंग दैट कैन मेक यू हैप्पी इसलिए पैसा इंपॉर्टेंट है नो डाउट अबाउट इट तो दो साल के आर्टिकलशिप आपने कौन सी फॉर्म में करनी है कैसे फॉर्म कै, कैसे करनी है यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने मार्क्स मिले उस पर डिपेंड करता है आपके आगे के एस्पिरेशन क्या है आपने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है आपने किसी के अंडर काम करना है आपने जॉब करनी है ये सब के बेसिस पे आप तय करोगे कि आखिर आपने आर्टिकलशिप कहां करनी है ऑफ कोर्स जब आपका सीए इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाएगा वी आल्सो सपोर्ट यू इन गेटिंग द आर्टिकलशिप दर्टिकलशिप में हमारे पास ऑफ कोर्स हमारे ही कितने सारे स्टूडेंट्स कई जगहों पर स्टेबलिश हैं अभी जिनको आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वही लोग फोन करते रहते हैं देर आर द गुड फॉर्म देर आर द मिड साइज फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वी कैन हेल्प यू आउट इन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टांसिस तो आपके आर्टिकल्स कंप्लीट होते हैं लगभग अगस्त ऑफ 2027 में कंप्लीशन इसके बाद एज पर द न्यू स्ट्रक्चर यू आर सपोज टू हैव अ गैप ऑफ सिक्स मंथ्स ये बैच बोर्ड्स के पहले खत्म होगा क्या नहीं बोर्ड्स के दौरान आपको इस बैच के रिकॉर्डेड सेशंस दिए जाएंगे मैं नवंबर फाउंडेशन दे रही हूं हमको फास्ट ट्रैक की वीडियो कब मिलेगी काइंडली कॉन्टेक्ट एकत्वम टेक्निकल ऑफिस फॉर गेटिंग द वीडियोज ऑफ ट्रैक बैच हाँ यस श्योर आई डोंट हैव एन ऑप्शन ऑन दैट तो आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट होने वाली है अगस्त ऑफ 2027 में अब ये आर्टिकलशिप जो आपकी कंप्लीट होगी अगस्त ऑफ 2027 में इसके बाद होना चाहिए मिनिमम छ महीने का गैप फॉर गिविंग योर सीए फाइनल का एग्जाम तो अगर अगस्त में हमारी आर्टिकल कंप्लीट हो रही है तो सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फेबर फेबर में छह महीने कंप्लीट होंगे फेबर में तो कोई एग्जाम होती नहीं है फेबर के बाद एग्जाम आती है इन द मंथ ऑफ मे ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी एट यूल का एग्जाम इस स्ट्रक्चर का नए स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फायदा आप लोगों के लिए वो क्या वो ये कि पहले जब आर्टिकलशिप होती थी ना तो होती थी तीन साल के लिए तीन साल के आखिरी छह महीने में आप सीए फाइनल की एग्जाम लिख सकते थे तो अब होता क्या था बच्चे क्या करते थे जैसे दो साल आर्टिकल आर्टिकलशिप कंप्लीट हुआ बंदे छुट्टी पे चले जाते थे भीख मांगना चालू कर देते थे सर हमको छुट्टी दो हमको सीए फाइनल की एग्जाम देनी है हमने भी सीए बनना है आप तो, आप तो बन गए और वो बॉस लोग इनको छुट्टी देते नहीं थे हो रही थी प्रैक्टिकली दिस थिंग कैसे articleship दो साल की एक बार आपकी दो साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई उसके बाद में क्यों वो बॉस आपको रोकेगा अगर उसने रोक भी लिया क्यों आप रोकोगे क्योंकि आपको तो सीए बनना है ना तो आपने तो उसको छोड़ के आना है वो कितना भी बोल दे कि तो तुम मुझे छोड़ के जो जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे हम क्यों पछताएंगे वो पछताएगा है हाँ ना सो दैट्स द आर्टिकलशिप आर्टिकलशिप ऑफ ऑफ इयर्स इज अ काइंड बून नाउ व्हाट आर टू डू जैसे के डेढ़ साल कंप्लीट होते हैं आप सी ए फाइनल की प्रिपरेशन चालू कर दो और जैसे आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई बाकी के सब्जेक्ट कंप्लीट करो छह महीने तक फुल फ्लेजेड सी ए फाइनल की पढ़ाई करो फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप पास क्योंकि सीए फाइनल में भी दो ही ग्रुप्स हैं और इन दोनों ग्रुप्स में तीन तीन ही पेपर हैं पहले सी ए फाइनल में चार चार पेपर्स हुआ करते थे आप सीए फाइनल के टोटल मिला के हो गए हैं छह पेपर सीए फाइनल की फर्स्ट ग्रुप में आपको होता है अकाउंट्स जिसे कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दूसरा सब्जेक्ट होता है एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग तीसरा सब्जेक्ट होता है लॉ सेकेंड ग्रुप में ऑडिट डायरेक्ट एक्सेस एंड इनडायरेक्ट एक्सेस एम सॉरी देर इज एन इलेक्टिव पेपर इस तरह से टोटल छह पेपर्स। अगर आप वो छह पेपर्स फर्स्ट अटेम्प में पास करते हो पासिंग क्राइटेरिया वही है फोर्टी परसेंट पर पेपर फिफ्टी परसेंट एग्रीगेट अब का जो स्ट्रक्चर है माइंड वेल मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ कह रहा हूं अब का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि जो बंदा सीए फाउंडेशन पास होगा वो सीए पक्का बनेगा क्यों तो इंटरमीडिएट और फाइनल ये कंपैरेटिवली लीनियंट हो गए हैं एज कंपेयर टू सीए फाउंडेशन तो आपको तगड़ी मेहनत जो करनी है वो कहां करनी है फाउंडेशन लेवल पे क्योंकि इंटरमीडिएट विल कोर्स मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इंटरमीडिएट और फाइनल में पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी तब तक तो आदत ही पड़ जाएगी खैर आपको पर इंटरमीडिएट और फाइनल में आपको एक अलग मोटिवेशन रहता है कि आप आगे बढ़ोगे तो आर्टिकलशिप रहेगी आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद में आप आगे बढ़ोगे सीए फाइनल कंप्लीट करोगे तो आप सीए बन जाओगे फाउंडेशन में ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं होता है फाउंडेशन में खुद को मोटिवेट करना पड़ता है so this is about the ca structure or is particular exam ka result aayega july 2028 mein july 2028 is the targeted date when you become the chartered accountants talking about big four you need either a rank or solid reference plus you need to ace three official grilling interview blocks बहुत लोग कर लेते हैं बट इट क्वाइट टफ इट्स क्वाइट टफ येस ऑफकोर्स वाई एम आई एम नॉट दैट इट्स नॉट टफ और जहां तक बात है बिग फोर्स में आर्टिकलशिप करने की या फिर बड़ी फॉर्म्स में आर्टिकलशिप करने की देखिए सिंपल सी बात है मैंने अगर वो लोकल में एक तेल निकालने वाला बंदा है तेल मैन्युफैक्चरिंग वाला बंदा है उसके पास जाके काम करना है तो वो डायरेक्टली मेरे को कहेगा ठीक है आ जा वही अगर मेरे को रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी में काम करना है ऑन द टॉप पोजीशन तो ऑफ कोर्स आई विल बी रिक्वायर्ड टू हैव द गुड रेफरेंसेस गुड कनेक्ट गुड कंटेंट जब तक मेरे पास खुद के पास कंटेंट नहीं है तब तक सामने वाला बंदा मेरे को क्यों रखेगा एक दूसरा रैंक की जहां तक बात कर रहे हो ऐसा तो है नहीं क्यों तो आई नो द स्टूडेंट्स हु हैव गॉट पासिंग मार्क्स देयर वाज द स्टूडेंट अनुजा बा चार्ट अकाउंट नाउ शीड गॉट थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी एट मार्क्स तब सात मार्क का आईपीसी हुआ करता था इंटरमीडिएट कोर्स सात सौ मार्क्स का हुआ करता था शी गॉट थ्री हंड्रेड एंड शी गॉटी मोर डिफरेंस एज कंपेड टू द कॉन्टैक्ट कनेक्शन लाइक नॉट टॉक अब दैट दैट इज मोर प्रैक्टिकल थिंग ऑफकोर्स देर आर द थिंग्स देर आर द अप्रोचेस यू हैव टू टैकल विद द थिंग्स और अगर आपके पास कंटेंट है जो डेवलप होगा आपके अगले दो साल में आप अगर फाउंडेशन की पढ़ाई तहे दिल से करते हो आप इंटरमीडिएट में दिए गए सारे इंस्ट्रक्शन को क्लियरली फॉलो करते हो तो बी रेस्ट एश्योर माई डियर फ्रेंड्स गोइंग अहेड क्लियरिंग दिस कोर्स इज नॉट अ टफ थिंग आप में से एवरेज uh, कितने लोग ऐसे हैं जिनको 80 या उससे कम परसेंटेज मिले एट एट दियर टेंथ और ट्वेल्थ 80 से कम परसेंटेज

द पॉइंट इज वॉट योर परसेंटेज डेक एनी आपके अब तक के रिजल्ट्स क्या थे आपको टेंथ में क्या परसेंटेज थे आपको ट्वेल्थ में क्या परसेंटेज थे उससे फर्क नहीं पड़ेगा हाँ आपकी मेहनत कैसी है भले ही आपको नाइंटी परसेंट मिले मेरे पास ढेरों एग्जांपल्स है नाइनटी एंड अब परसेंटेज इन दियर टेंथ एंड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड एंड नॉट बी एबल टू क्लियर सी ए फाउंडेशन इंटरफाइनल को थोड़ा सा दूर रखते हैं नॉट इवन फाउंडेशन 90% परसेंट इसीलिए मैं कहता हूं टेंथ एंड ट्वेल्थ के परसेंटेज का नो वैल्यू व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशनल कोर्सेस यहां पे इज्जत आपकी मेहनत को है अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो हो तैयार हो मेहनत करना पड़ेगा रियल ग्रिलिंग आई एम टॉकिंग अबाउट आर यू रेडी फॉर इट सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट एक दूसरी अनाउंसमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट और वह यह कि इस शनिवार को सैटरडे एक मना रहा है अ प्रोग्राम कॉल्ड एज हंगामा जो कि साल दर साल होता है पिछले साल भी हुआ था डीजे नाइट होती है छोटी सी जिसमें एक ढाई हजार बच्चे आते हैं और बहुत बड़ा एक लॉन होता है वहां पे सब लोग नाच रहे होते हैं तो यू ऑल आल आर आल्सो इनवाइटेड फॉर दैट You all All are expected to attend that particular program. All the faculty will be there. And छोटा सा प्रोग्राम भीच भीच में, खाना भी हमारी तरफ से तो इस तरह से वो प्रोग्राम है the details of that i'll be posting on the group all right? हाँ तो अब ये हो गया बेसिक बैकग्राउंड ऑफ of the ca course मैंने एकत्वम के सारे फैकल्टी जो आपके साथ डील करने वाले हैं उसके बारे में उनके बारे में बता दिया आज का जो आपका शेड्यूल है अब मैं थोड़ी देर के बाद एक पांच सात मिनट के बाद ये लेक्चर छोड़ दूंगा उसके बाद आपका अगला सेशन रहेगा एट 5:15 विल बी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ लॉ 5:15 फिफ्टीन टू सिक्स 6:30 जब तक एस सर एक्सटेंड कर पाए बी टेकिंग दैट सेशन उसके बाद आज आपका कोई लेक्चर नहीं है एज फार एज टुमोरो शेड्यूल इज कंसर्न टूमो यूल बी हैविंग द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स लॉ एंड मैथ्स लेक्चर टूमोर शेड्यूल ग्रुप पे डाल दूंगा इकोनॉमिक्स अकाउंट लॉ मैथ चारों सब्जेक्ट के आपके सेशन होने वाले हैं फ्रॉम वेंसडे ऑनवर्ड्स और इस तरह से शेड्यूल रहेगा हमारा एट ऑफ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तक 9th नवंबर 2023 से लेके नाइनटीन ऑफ नवंबर 2023 तक हमें रहेगी दिवाली वेकेशन और ट्वेंटी ऑनवर्ड्स आपका शेड्यूल रिज्यूम हो जाएगा विच विल बी फॉर अराउंड सिक्स आवर्स पर डे राइट समवेयर बिटवीन ट्वेल्व टू सिक्स विल बी द शेड्यूल फ्रॉम ट्वेंटी नवंबर ऑनवर्ड्स सिर्फ एक दिन बीच में ऐसा आ सकता है एक तो सैटरडे uh, को लेक्चर्स नहीं होंगे आज ही क्लैरिफाई कर रहा हूं क्योंकि सैटरडे को प्रोग्राम है बीच में ट्वेल्थ जो अक्टूबर है मतलब थर्सडे की बात आठ नौ आज की क्या नाइन्थ है ना हाँ, थर्सडे थर्सडे के दिन भी शायद लेक्चर नहीं होंगे आई चेक इफ कैन बी एडजस्टेड अदरवाइज थर्सडे के दिन भी सेशन नहीं होंगे सो थर्सडे एंड सैटरडे दीज आर टू डेज विच विल बी ऑफ फॉर यू दिस वीक बाकी अदरवाइज विल बी हैविंग द रूटीन सेशन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे फॉर द होल वीक विल बी हैविंग द वीकडेज को ऑफ रहेगा अप टिल फेब्रुरी तक Sundays को आपके जनरली लेक्चर्स नहीं होंगे पर मार्च ऑनवर्ड्स विल बी हैविंग द लेक्चर्स ऑल थ्रू द वीक इंक्लूडिंग संडे राइट तो इस तरह से आपका ये पूरा बैच का आराखड़ा मैंने आपके सामने रख दिया आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है जहां तक बात है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की हर सब्जेक्ट के लिए आपको हमारे नोट्स दिए जाएंगे सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स के लिए आपको दो बुक्स दी जाएगी एक रहेगी कंसेप्ट बुक जिसमें हम लोग पूरे के पूरे कंसेप्ट थेटिकली कवर करते हैं और दूसरी रहेगी क्लास बुक जिसमें हम लोग सारे के सारे प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस कवर करते हैं जिसके आंसर्स हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं सॉल्व करते हैं होमवर्क के तौर पे सॉल्व करते हैं इस तरह से दो बुक्स दी जाएगी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्सिंग द सेपरेट नोट इकोनॉमिक्स के लिए दो अलग अलग नोट्स दिए जाएंगे आपको माइक्रो पार्ट का नोट्स अलग दिया जाएगा मैक्रो पार्ट्स के नोट्स अलग दिए जाएंगे लॉ सब्जेक्ट के लिए आपको दो अलग अलग पार्ट्स में नोट्स मिलेंगे जो टॉपिक्स एस एम सर पढ़ाने वाले हैं उसके नोट्स अलग आएंगे और जो टॉपिक्स दर्शन सर पढ़ाएंगे उसके नोट्स अलग मिलेंगे अब ये नोट्स कब मिलेंगे विल बी इन द नेक्स्ट वीक नॉट इन दिस वीक आपको सारे के सारे नोट्स जो मिलेंगे वो अगले हफ्ते में मिलने वाले हैं इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर रहेगा इसके अलावा अगर आप में से किसी को कोई शक सवाल क्वेश्चन क्वेरी डाउट या डिफिकल्टी हो तो यू कैन जस्ट आस्क इट बिफोर आई लीव किसी को किसी भी तरह का सवाल हो तो आप पूछ सकते हो हां मैडम बोलिए हाँ आईसीएआई मॉड्यूल हाँ, और Uh, हमारे नोट्स में क्या डिफरेंस रहेगा हमारे जो नोट्स बनाए जाते हैं प्रॉपरली कवरिंग जहां तक आईसीआई सारा मॉड्यूल्स सारा होते हैं इसलिए आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए क्लास में लिखाए गए लिखाए जाने वाले नोट्स क्लास बुक्स कंसेप्ट बुक्स और आईसीआई मॉड्यूल ये सारा का सारा कॉम्बो इंपॉर्टेंट है तो आप जब पढ़ाई करोगे तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कवर करते हुए आप पढ़ाई करोगे राइट right? तो आपकी पढ़ाई के लिए क्या हमने सिर्फ क्लास के नोट्स रेफर करने हैं आईसीआई मॉड्यूल रेफर नहीं करना है क्या हमको सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल रेफर करना है क्लास नोट्स रेफर नहीं करने? आंसर इज नो यू द रिसोर्सेज अवेलेबल दैट इज इंक्लूडिंग द पास्ट एग्जाम पेपर्स एज वेल वो अब कैसे क्या जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे हमारे टॉपिक स्टार्ट होंगे वैसे वैसे हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं जहां तक बात है मेरे कल के लेक्चर की तो कल के लेक्चर में आई एम गोइंग टू डील विथ द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स वी विल स्टार्ट विद द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस रहने वाला है किस तरह से हमने कैरी ओवर करना है कुछ लोगों को लगता है कि क्योंकि टॉपिक्स के नाम सेम है इसलिए कंटेंट भी सेम होगा सी एक बात याद रखिए जहां तक बात है अकाउंट सब्जेक्ट की सुना है कि सीए में कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं आता क्या फर्क पड़ता है बेटा रिपीट आए या ना आए हमें क्या फर्क पड़ता है इफ यू आर कंसेप्चुअली गुड डोंट वरी अबाउट वेदर द क्वेश्चन गेट्स रिपीटेड इन द एग्जामिनेशन और नॉट आप फोकस कंसेप्ट रखो सॉफ्टवेयर पे, पे कब शिफ्ट होंगे जो भी लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उनके लिए फॉर नेक्स्ट फाइव डेज द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन यू एंड आफ्टर दैट इट विल गेट शिफ्टेड टू अवर सॉफ्टवेयर सो फॉर द फर्स्ट फाइव डेज ओनली बी एबल टू अटेंड द लेक्चर्स ऑनलाइन थ्रू यूट्यूब चैनल अदरवाइज बी रिक्वायर्ड टू कंपल्सरली अटेंड इट ऑन आर ऐप हा तो जहां तक बात है आपके पढ़ाई के स्ट्रक्चर की तो आपको सारे ये रिसोर्सेस फॉलो करने हैं क्योंकि जब तक आप सारे रिसोर्सेस कवर नहीं करते हो तब तक याद रखो कि आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है सो इफ यू वॉन्ट टू हैव दैट फीलिंग कि हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है तो आपको ये सारे रिसोर्सेज कवर करने हैं अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है हम लोग कई बार ऑब्जर्व करते हैं लोग ऑडिट कर रहे होते हैं इधर क्वेश्चन पढ़ा इसका आंसर क्या होना चाहिए अच्छा आंसर यहां पे भी ऐसा दिया टिक अरे आपको क्या प्रूफ रीडिंग का काम दिया हुआ है आपको एक्चुअल सॉल्व करने हैं प्रॉब्लम एग्जाम में जाके लिखना है प्रॉब्लम तो आपको प्रैक्टिस करनी होती है और इसीलिए दैट इज मोर इंपॉर्टेंट तो कल के लेक्चर में आई एम गोइंग टू डील कंप्लीटली विद द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स सिलेबस का स्ट्रक्चर पूरा डिस्कस करूंगा और उसी तरह से कौन से टॉपिक को किस तरह से डील करना है दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस कल का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा थ्री थर्टी पे इंस्टेड ऑफ थ्री इट विल स्टार्ट एट थ्री मैं शेड्यूल ग्रुप पे डाल दूंगा ऑल दो आर देयर ऑन द ग्रुप दे विल बी गेटिंग द होल शेड्यूल इन डिटेल और जो लोग ग्रुप पे नहीं है उनके लिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया कल का शेड्यूल हमारा कितने बजे स्टार्ट होगा 3:30 थर्टी पी एम एंड नॉट एट थ्री ओ क्लॉक सो दैट्स इट फॉर द डे थैंक यू वेरी मच बाय